एक करोड़ लो स्वामी दर्शन भारती का सर लाकर दो। उत्तराखंड संरक्षक अभियान के संरक्षक स्वामी दर्शन भारती जी को लेकर एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें बरेली उत्तर प्रदेश निवासी एक हाफिज फैजान रजा नाम का व्यक्ति, जो कि खुद को सर्व समाज संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा है और स्वामी दर्शन भारती जी के सिर को काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपये इनाम देने की बात कही है। स्वामी दर्शन भारती के प्रयासों के कारण उत्तराखंड का एक बड़ा वर्ग अब मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़ा हो रहा है, जिससे परेशान मुस्लिम कट्टरपंथियों ने अब रेडिकल इस्लाम के पिलर सेल के जरिए स्वामी दर्शन भारती जी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक कुर्दा मौलवी को बड़ा क्या जरूरत पड़ेगी। वह स्वामी दर्शन भारती का सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ इनाम देगा। स्पष्ट है कि रेडिकल इस्लाम के स्लीपर सेल के जरिए प्रदेश और देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का दुस्साहस किया जा रहा है। स्वामी दर्शन भारती जी ने उत्तराखंड सरकार से ऐसे कटापत्ते के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि योगी पुलिस ने कुछ घंटों में ही इस रेडिकल को जेल की सलाखों पर डाला। यह हिंदुत्व की रक्षा के लिए बड़ा कदम है। उत्तराखंड रक्षा अभियान के संरक्षक स्वामी दर्शन भारती ने प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मांग की कि अब समय आ गया है जब पहाड़ में तेजी से फैल रहे मुस्लिमों को रोकना होगा। इसके लिए तेरे सरकार को हिमाचल प्रदेश जैसा बड़ा कानून बनाना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लव जिहाद के लिए खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए, जिसके सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट पर हो। ऐसे कड़े कानून लाकर ही हम अपनी बहन बेटियों को इनकी कसाई खाने से कटने से बचा सकते हैं। आखिर क्यों कलम करवाना चाहता था यह मौलवी स्वामी भारती जी का सर? क्या है इसके पीछे का राज? देहरादून ब्यूरो रिपोर्ट, अमित सिंह रावत। स्वामी जी, आज ये कार्यक्रम हुआ था ये प्रेस क्लब में, ये क्या था ये थोड़ा बताएंगे जरा? देखिए महोदय, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें विशेष रूप से जिहादी रेडिकल जो जिहादी हैं उनके द्वारा मुझे मेरा सर कलम करने का 1 करोड़ रुपये का जो फरमान जारी किया गया बरेली से उनके खिलाफ था। उत्तराखंड देवभूमि हिंदू धर्म का उद्गम है, हम यहाँ पर किसी भी कीमत से बाहरी जिहादियों को इस्लामिक कट्टरपंथियों को नहीं घुसने देंगे और नहीं उनको पनपने देंगे। स्वामी जी, जो आपको अभी धमकी मिली थी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मुझे एक धमकी मिली एक जिहादी के द्वारा जी, और मैं कहना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार से, जिहादी नहीं है ये, इस्लामिक कट्टरपंथियों का एक स्लीपर सेल है। इन्होंने अपने पहले अब जो लोग मुझे नहीं जानते थे, आज इस धमकी के कारण इस मुल्ला या मौलवी जो भी है वो, उसकी मेरे सर कलम करने की धमकी के कारण आज जो जिहादियों का जो स्लीपर सेल है वो एक्टिव हो गया है। और स्लीपर सेल के एक्टिव होने का मतलब है हर समझ जान को खतरा। पर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इन धमकियों से उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड की मातृशक्ति अब डरने वाली नहीं है, क्योंकि ये हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है। मैं तमाम विश्व के हिंदुओं से आह्वान करता हूँ कि ये गंगा है, ये गंगा का मायका है, ये शिवलोक है, इसकी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी मर्यादा है। किसी भी ढंग से यहाँ की मर्यादा, यहाँ की परंपराओं से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा किसी को भी, किसी भी कीमत पर नहीं। तो इसमें कुछ एक्शन लिया गया अभी तक शासन प्रशासन द्वारा? अभी उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद, योगी पुलिस का धन्यवाद कि जिन्होंने 5 घंटे के अंदर अंदर इस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को कूट करके मार करके जेल में डाल दिया। अभी वो जेल में है। अब उत्तराखंड सरकार क्या करती है ये देखने वाला विषय अलग होगा।